सो हे गाइज, दिस सिराज सिद्दीकी एंड बैक टू द चैनल। सो गाइज, ये वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है क्योंकि ये पब्लिक डिमांड पे भाई, ऑन पब्लिक डिमांड। जैसे कि मतलब मेरे को इंस्टाग्राम पर और मेरे व्हाट्सएप पर काफ़ी मैसेजेस आ रहे थे कि भाई मेरे को यूट्यूब पर वीडियोज़ बनाना है, मेरे को यूट्यूब पर ब्लॉगिंग करना है, कैसे बनाऊँ, क्या करूँ, आप कुछ टिप्स दो। सो गाइज, मैं सोचा कि कुछ ना अपना क्यों ना अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करें कि मेरा पर्सनल ओपिनियन क्या है, मैं क्या करता हूँ। हालांकि मैं भी वो एक सक्सेसफुल नहीं हूँ, कामयाब मतलब मैं भी काम कर रहा हूँ यूट्यूब पर, तो मैं कैसे कर रहा हूँ और लोग कैसे करते हैं वो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वो चीज़ कैसे करें, हालांकि बड़े यूट्यूबर से लेकर छोटे यूट्यूबर, बड़े बिजनेसमैन से लेकर छोटे बिजनेसमैन, ये पांच चीज़ों का सबसे ज़्यादा ध्यान रखते हैं। वो पांच चीज़ है क्या, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली चीज़ है जो वो है हार्डवर्क, और दूसरी सेकेंड चीज़ है जो फोकस, एंड थर्ड है पंचुअलिटी, एंड फोर्थ है जो वो है पैसिनेट्स, और जो फिफ्थ है वो है पेशेंस। सो हम लोग सबसे पहला हार्डवर्क पर डिस्कस करेंगे। हार्डवर्क में क्या होता है, जैसे कि कोई भी एक इंसान है वो लगातार कोई एक चीज़ पे मेहनत किए जा रहा है, मेहनत किए मतलब कंटिन्यूसली एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार लगातार वही चीज़ पे मेहनत कर रहा है और फिर भी वो सक्सेस नहीं हो पा रहा है, असक्सेस हो जा रहा है। हमेशा बार बार मेहनत कर रहा है फिर भी असक्सेस हो जा रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि खाली वो हार्ड वर्क कर रहा है ना गाइस, स्मार्ट वर्क नहीं कर रहा है। क्योंकि हार्ड वर्क के साथ साथ हम लोग को स्मार्ट वर्क भी करना चाहिए। तो स्मार्ट वर्क हम लोग कैसे करेंगे गाइस, जैसे कि देखो कोई भी एक चीज़ आप कर रहे हो सपोज, तो वो असक्सेस हो रहे हो, तो आप उसमें असक्सेसफुल क्यों हो रहे हो, उसमें क्या डिफॉल्ट है, क्या मिस्टेक है, क्या प्रॉब्लम क्या है, वो चीज़ हम लोग को देखेंगे। हम लोग उसको रीचेक करेंगे कि वो डिफॉल्ट क्या हो रहा है, उसमें मिस्टेक क्या है। सो हम लोग उसको देखेंगे, वो चीज़ को क्लियर करेंगे, शॉर्ट आउट करेंगे, देन उसके बाद उसको सही करके हम लोग फिर बनाएंगे, तो वो चीज़ आपकी अच्छी बनेगी क्योंकि आपने उसमें हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी किया है, तो वो चीज़ अच्छी बन जाएगी गाइस। ये हो गया हार्ड वर्क का। और जो सेकंड टॉपिक है वो है फोकस। लोग जैसे कि हम लोग खुद भी मतलब ढेर सारी जगह पर हर एक चीज़ पर फोकस करने लग जाते हैं, स्टडी पे और बिजनेस में, यूट्यूब पे, हर एक चीज़ पे सोचते हैं कि हम लोग हर एक चीज़ करें और हर एक चीज़ पे सक्सेस हो जाएंगे। मतलब एक ही साथ में हर एक चीज़ पे सक्सेस हो जाना ये इम्पॉसिबल है, कोई बड़ी खाने का काम नहीं है गाइज, ये बहुत मेहनत होगा ही नहीं गाइज, ये चीज़ होगा नहीं। अगर हम लोग कोई चीज़ में वाकई कोई चीज़ पे हम लोग को अचीव हासिल करना है, सक्सेस होना है, तो उसके लिए गाइज हम लोग को मेहनत करनी पड़ेगी, एक चीज़ पे फोकस करना पड़ेगा। अपना एम मोटिव एक चीज़ पे होना चाहिए, एक चीज़ पे फोकस होना चाहिए। अगर आप यूट्यूब पर वाकई वीडियो बनाना चाहते हो तो गाइज आप यूट्यूब पर फोकस करो, यूट्यूब पर ध्यान दो। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई के साथ साथ आप यूट्यूब पर भी थोड़ा फोकस करोगे गाइज, मतलब पढ़ाई पे फोकस कर रही हो पर अलग से यूट्यूब के लिए आप टाइम निकालो, यूट्यूब पर फोकस करो। कोई भी चीज़ कर रहे हो तो आपको अलग से उसके लिए टाइम अपने को निकालना पड़ेगा, उस पर हम लोग को फोकस देना पड़ेगा, तब जाके वो चीज़ हम लोग अचीव कर पाएंगे, वो चीज़ हम लोग सक्सेस हो पाएंगे। और गाइज सक्सेस होने के साथ साथ उस चीज़ को हम लोग बेहतर, अगर आप एक चीज़ पे फोकस करोगे तो आप अपने लाइफ में उस चीज़ को एकदम बेहतर तरीके से और एकदम अच्छे से कर पाओगे। मतलब ताकि जो ऑडियंस आपको देखेगी वो देखकर इंप्रेस हो जाएगी अगर आप फोकस करोगे एक चीज़ पे तो, कि मतलब एक चीज़ पे फोकस करने से क्या होता है, आप उस चीज़ को एकदम अच्छे से, एकदम बढ़िया और एकदम मस्त और अच्छा सा आप रिप्रेजेंट कर पाओगे खुद को, अगर आप एक चीज़ पे फोकस करते हो तो। ये हो गया हमारा सेकंड टॉपिक। सो गाइस, जैसे कि मैंने आपको दो चीज़ बता दी, वैसे आपको मैं तीसरी चीज़ बता रहा हूँ गाइस। तीसरी चीज़ क्या है, पंचुअलिटी क्या होता है गाइस, मतलब टाइम। अगर हम कोई भी चीज़ को अगर प्रॉपर तरीके से टाइम पे नहीं करेंगे तो वो चीज़ नहीं होगी। जैसे कि गाइस अगर आप यूट्यूब का एग्जांपल लेता हूं मैं, जैसे कि अगर मैं यूट्यूब पर वीडियो पोस्ट करता हूं मैं 11 PM पे, तो गाइस अगर मैं 11 PM पे डेली वीडियो पोस्ट करता हूं, अगर मैं एक दिन पोस्ट नहीं करूं या फिर एक दिन, दो दिन, तीन दिन, तो गाइस मेरा रेपुटेशन खराब होगा, जो मेरी ऑडियंस है, जो मेरे सब्सक्राइबर है, उन लोग की नज़र में मेरा इंप्रेशन खराब होगा, इंप्रेशन डाउन होगा, क्योंकि मैं डेली टाइम पे वीडियो पोस्ट करता था और मैं एक दिन टाइम पे वीडियो पोस्ट नहीं करूंगा तो मेरा, हालांकि ये गलत है क्योंकि हमारा खुद का इंप्रेशन खराब होता है। तो वैसे ही गाइस अगर आप किसी को भी, कोई भी बंदे को टाइम देते हो कि मतलब मैं 10 बजे मिलने वाला हूँ, तो आप 10 बजे का टाइम दियो तो आप 9:30 बजे पहुँच जाओ वहाँ पर जाके। तो अगर 9:30 बजे पहुँच जाओगे तो हालांकि कुछ होने वाला है नहीं, बट सामने वाले की नज़र में आपका इमेज बढ़ जाएगा, आपका इंप्रेशन और अच्छा हो जाएगा। मतलब अगर कोई भी चीज़ ठान रहे हो, दूसरा एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, अगर आप कोई भी चीज़ ठान रहे हो कि मतलब मेरे को कल सुबह करना है, तो वो चीज़ आप कल सुबह अगर आप 7 बजे का प्लान किए हो तो आप 6:30 बजे उठ के गाइस मतलब उसके लिए प्रिपेयर हो जाओ, रेडी हो जाओ कि मेरे को 7:30 बजे का मैंने टाइम दिया है, बट मैं 6:30 बजे उठ के वो चीज़ को मैं प्रिपेयर करूँ अच्छे तरीके से, वो चीज़ करूँ मैं। मतलब अगर आप टाइम दोगे, अगर आप कोई भी चीज़ को टाइम दोगे, टाइम पे करोगे, तो आप उस चीज़ में सक्सेस होगे, ज़रूर होगे, मेरी गारंटी है गाइस। ये जो पांच चीज़ बताने वाला हूँ मैं गाइस, आप पांच चीज़ पे आप अगर आप मतलब इसको अपने लाइफ में लागू करते हो तो आप 100% सक्सेस होगे गाइस। ये चीज़ मैं भी लागू करता हूँ अपने लाइफ में, और जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं, सक्सेसफुल हैं, सब लोग इस चीज़ को लागू करते हैं गाइस। हालांकि गाइस ये चीज़ मैंने आपको तीन चीज़ आपको मैंने बता दिया गाइस, ये दो चीज़ मैं आपको सेकेंड पार्ट में बताऊँगा, क्योंकि स्टार्टिंग फर्स्ट टॉपिक से लेकर थर्ड टॉपिक तक में पता नहीं कौन कौन मेरे साथ टिका हुआ है, कौन कौन ये वीडियो को देखा, तो इसके लिए मैं ये नहीं चाहता कि जो देख रहा है वो भी और
मतलब बोर हो जाए, इसके लिए मैंने तीन टॉपिक, मतलब तीन टॉपिक को मैंने आधे पे किया और आधा पार्ट इसका दो टॉपिक है जो मैं आपको सेकंड पार्ट में बताऊंगा गाइज। सो ये टॉपिक, तीनों टॉपिक पे आप जरूर जितना भी मैंने बताया है वो चीज़ आप अपने लाइफ में लागू करो, बहुत ही अच्छे से तरीके से आप सक्सेस होगे, बहुत आराम से सक्सेस हो जाओगे। कोई दिक्कत तो होगी, प्रॉब्लम फेस होगा, बट लड़ना सीखेंगे गाइज हम लोग, ठीक है। चलो फिर ये वीडियो को करेंगे यहीं पर एंड गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर देना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ज़रूर कर ही देना सब्सक्राइब, उसके बाद जाना गाइज, ठीक है। चलो फिर तब तक के लिए खुदा हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ गाइज, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत किया हो तो वीडियो को जरूर देखना और एक लाइक बनता है गाइज, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। चलो तब तक के लिए खुदा हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।